हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हरिशंकर कुमार, आप लोग को हरिशंकर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए बिहार से रिलेटेड फिर से एक नई वीडियो लेके आ रहा हूं, जो कि बिहार में वैकेंसी निकलने वाला है। 1021 होमगार्ड की होगी बहाली, और यह बहाली कब होगी और किस महीना से शुरुआत होगा तो ज़रूर जाने, लेकिन यह बहाली की प्रक्रिया क्या होगी यह भी आप लोग पूर्ण रूप से जानेंगे। लेकिन फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में होगी भर्ती। आप लोग यह जान ले कि 10 से 21 होमगार्ड की बहाली होगी और यह बिहार के लिए है, और यह आप लोगों को फरवरी के अंतिम या मार्च के पहले सप्ताह में होगी भर्ती। तो जान ले, होमगार्ड के जवानों को मिलता है सरकारी लाभ और कमांडेट। तो आप लोग सारा जानकारी देखेंगे, इसके लिए ऊंचाई कितनी चाहिए, हाइट क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, और महिलाओं के लिए कितनी हाइट चाहिए, और उसके बाद कितनी फिट चाहिए, सारा कुछ मिलेगा। तो लेकिन मैं आप लोगों को अब सीधा, आप लोगों का समय विलंब नहीं करता हूँ, चलता हूँ सीधे। तो आप लोगों जानते होंगे जो यह निकाला गया है, बताया कि पुरुषों के लिए 5.4 इंच और महिलाओं के लिए 5.2 इंच होना चाहिए आवश्यक। पुरुषों के लिए ऊंची कूद जो होती है, ऊंची कूद 4 फीट, और महिलाओं के लिए 3.5 फीट, जबकि गोला फेंका 16 फीट और लंबी कूद पुरुषों के लिए 12 फीट व महिलाओं के लिए 10 फीट निर्धारित की गई है। तो आप लोग जानते हैं कि पुरुषों के लिए दौड़ 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, और महिलाओं का दौड़ 8 मिनट में 1.5 किलोमीटर। पुरुषों के लिए जो 6 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर 6 मिनट में, और महिलाओं के लिए 1.5 किलोमीटर 8 मिनट में तय करना है। टेक्निकल महिलाओं पुरुषों के लिए 2 मिनट के अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी, जो 2 मिनट की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाएगी। और आप लोग जान ले कि हाजीपुर जिले के पदमा और इलाका प्रखंड में होमगार्ड की होगी बहाली और नियुक्ति नहीं निर्धारित की गई है। कहाँ की राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय के खिलाड़ियों को चयन प्रक्रिया में अलग अतिरिक्त पॉइंट दिया जाएगा और पॉइंट भी मिलेगा। आप लोग जान ले इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो सारा प्रोसेस आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, और मैं आप लोगों के लिए सीधे ले चलता हूँ प्रोसेस के लिए। तो इसमें उम्मीदवारों के लिए है, मैट्रिक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र होनी चाहिए, और उसके बाद आधार कार्ड होनी चाहिए, सारा कुछ उसके पास होने चाहिए। और अभी तक में यहाँ पे जवानों को 42 दिन की बुनियादी प्रशिक्षण भी ली जाती है, 42 दिन की प्रशिक्षण भी ले जाएगी। और आप लोग जान ले कि यह हाजीपुर जिले के चौपारण प्रखंड में 28 चलकुसा के 95 ट्रैफिक 42 डाली गई है। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं, सदर में 22 सीटों की बहाली होगी। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जनवरी तक निर्धारित की गई है। दूसरों चीज़ के लिए वो है 40 वर्ष तक की गई है। यह छोटा सा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर देखें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, और यह बहाली का आप लोग को इंतज़ार करें। होमगार्ड की जल्द होगी बहाली, ऊपर देख चुके हैं आप लोग को डेट कितना कितना दिया जाएगा, सारा प्रोसेस मिलेगा। जल्द आप लोग इंतज़ार करते रहिए, जल्दी ही आप लोग को होने वाला है। इसी तरह का नए नए अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।